नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जो एक घटना घटी है 15 अप्रैल 2023 को, पूर्व सांसद विधायक अतीक अहमद और एक बार के विधायक उनके भाई असलम कि तीन हमलावर जो युवक थे उनके द्वारा हत्या कर दी गई और हत्या भी हुई पुलिस कस्टडी में, जब पुलिस उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गई थी। अब इस पर पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तीन संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने क्षेत्र में। ऐसा देखा गया है कि किसी भी दुर्दांत अपराधी के साथ कोई घटना घटती है तो जनता भी वाहवाही करती है, लेकिन उसी जनता को यह भी सोचना है कि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंग हैं। यदि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए, यह अपने देश के लिए अच्छी बात नहीं, अपने संविधान के लिए यह अच्छी चीज़ नहीं। संविधान में हर चीज़ की व्यवस्था है। अतीक और अशरफ दोनों व्यक्तियों को शायद एक केस में सजा भी हो गई थी। मैं समझता हूँ कि जितने केसेस थे, सही ढंग से सरकार इसको कोर्ट में लड़ी होती तो इन्हें कठिन से कठिन सजा न्यायपालिका के द्वारा होती। अब यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है, एक SIT भी गठित किया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठता ही है कि पुलिस एक तो 10 बजे रात में, चूँकि हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए इन दोनों को ले जाया गया था, जो TV पर जो फोटो आ रहे हैं उससे ये लगता है कि न तो किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट था, दोनों कैदी के साथ ही एक ही हथकड़ी में दोनों बंधे भी हुए थे, और साथ मुझे लगा फोटो वगैरह देखने से कि पुलिस वगैरह के साथ उन लोगों के पास भी कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, शस्त्र भी दिखने में लगा नहीं। चूँकि दो बार साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने की घटना घटी थी, यह मामला वैसे भी बहुत हाईलाइटेड था, फिर ऐसी इतना दो दिन पूर्व, चूँकि अरशद और उनके एक और साथी के पुलिस एनकाउंटर में हत्या हुई थी, इसलिए मामला पूरे देश के लिए अजीब तरह का हो गया कि पुलिस कस्टडी में इतनी भयानक घटना हो गई, ये अजीब चीज़ है। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा मिलनी चाहिए न्यायपालिका के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। हम लोगों ने कुछ वर्षों पूर्व देखा है, 2019 में एक वेटनरी डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार हुआ था हैदराबाद में, जो चार गिरफ्तार हुए अपराधी उनका पुलिस इनकाउंटर में उन्हें मार दिया गया। जनता ने उन पुलिस वालों पे फूल बरसाए थे, लेकिन अब जो सूचना आई कि जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई उसमें पुलिस दोषी पाई गई और 10 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दायर हो गया। अब हम आप सोच सकते हैं उन 10 पुलिस वालों की स्थिति क्या होगी, उनकी मन स्थिति क्या होगी, उनके परिवार के लोगों की हालत क्या होगी। उस वक्त तो एनकाउंटर होने पर जनता में उनकी बहुत वाहवाही हुई, लेकिन अब आगे क्या होगा। इसलिए हम सभी लोगों को विश्वास करना चाहिए कि किसी को भी, कोई भी अपराधी हो, अपराध का फैसला निश्चित तौर पर उनके सजा का जो निर्णय हो वो कोर्ट के माध्यम से ही हो, ये देश के हित में है और देश के संविधान के हित में है।
उन दोनों की हत्या के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई, विपक्ष तो हमलावर हुआ ही, लेकिन त्वरित जो प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के माननीय दो मंत्रियों की आई, मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टिकोण से इस तरह के वक्तव्य से उन्हें बचना चाहिए था, इस तरह का स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। क्योंकि एक माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब जुल्म की इंतहा होती है तो उसका अंत होता है और यह आसमानी फैसला है। एक माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि पाप पुण्य का फैसला इसी जन्म में होता है। ऐसे वक्तव्यों से बचा जाना चाहिए और भविष्य में इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी जब ऐसे ऐसे दुर्दांत लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करना हो, हॉस्पिटल ले जाना हो, तो निश्चित तौर पर जितनी भी सुरक्षा अपनाई जानी चाहिए वो कोई भी सरकार हो उसको अपनाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से विधि व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं हो और सरकार पर कोई उंगली नहीं उठ पाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।